जनता पार्टी फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश राजेश कुमार जी, फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी वीके सिंह जी, पुलिस अधीक्षक श्री आलोक प्रियदर्शी जी, मुख्य वन संरक्षक श्री एन रविंद्र जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष डीएस राठौर जी, सम्मानित मंच, उपस्थित अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, आज पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान के तौर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके महत्व को समझते हुए इसके मानव जीवन में क्या उपयोगिता है इसको समझते हुए एक लक्ष्य दिया है प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए कि एक वृक्ष मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। मानव जीवन में मां का जो महत्व है वो किसी और का नहीं। अब प्रकृति भी हमारी मां है, हमको पालती है, पोसती है। जहां मां जन्म देती है वहीं प्रकृति हमको जीवन का आधार देती है, आहार देती है। इसी भूमि से, इसलिए इसे मातृभूमि भी कहा गया है। हमको प्रकृति के रूप में अनाज मिलता है, दलहन मिलता है, पेड़ पौधे में के से फल फूल मिलते हैं, छाया मिलती है, हवा मिलती है, वातावरण प्रदूषण मुक्त होता है। यह इसलिए प्रकृति भी मां की तरह है। तो कितने संवेदना होनी चाहिए जो एक मां के लिए होती है हम लोगों की, वो प्रकृति के लिए भी होनी चाहिए। जिसका चिंतन का अभाव पिछले एक लंबे अरसे से देखा गया था। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च की थी। ऋषि लोग जंगलों में जाके अपने प्रयोग करते हुए हर पहलू पर रिसर्च करते थे प्रकृति के, और मुनियों को सौंपते थे अपनी रिसर्च को। मुनि जनता में पहुंचाते थे। पीपल का पेड़ पूजनीय है, उसमें देवता वास करते हैं, उसे धर्म से जोड़कर, इसलिए कि विज्ञान हर एक कोई नहीं समझ सकता था उस समय, तो धर्म से जोड़ा गया। तुलसा जी को घर के आंगन में रखना चाहिए क्योंकि वो ओजोन छोड़ती है, और ओजोन कितनी आवश्यक है। आज ओजोन की परत कमजोर हो रही है, इसीलिए गर्मी के जो सूर्य की ताप है वो अलग महसूस होता है। गाय की सांस से भी ओजोन निकलती है, इसलिए गाय भी पूजनी मानी गई। तो ऋषियों ने जो शोध किए, जो उन्होंने रिसर्च की, मुनियों को सौंपा, मुनियों ने समाज को सौंपा, उस समय धर्म से जोड़ते हुए। आज हम सब लोग विज्ञान को जानते हैं, इसलिए सबको मालूम होना चाहिए, मालूम है भी, कि पीपल का वो पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें जो मानव जीवन के लिए घातक होती है उनको एब्जॉर्व करता है। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन थी, आज विज्ञान ने भी इसको सिद्ध किया है। ऐसे ही प्रकृति के जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सब वायुमंडल से प्रदूषण को एब्जॉर्व करते हुए उनका भोजन है, और हमको प्रदूषित वायु को साफ करके स्वच्छ वायु को देते हैं। यानी इस वायुमंडल का जहर पीते हैं वो और हमको जीवन देते हैं, इसलिए उनका कितना महत्व है और ऑक्सीजन का कितना महत्व है
ये कोरोना काल में हम सब लोगों ने महसूस किया। ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरा चिकित्सा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया था। इसलिए बच्चों, हमें अपने कल को संवारना है, वायु को प्रदूषण से बचाना है, पानी को प्रदूषण से बचाना है, तो प्रकृति को संवारना होगा, सजाना होगा, बचाना होगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का संकल्प दिया है प्रत्येक उत्तर प्रदेश के वासी को। हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा करने जा रहा है प्रदेश, 36.46 यानी लगभग 36.5 करोड़ वृक्ष पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं और उसके लिए लगभग 54.40 यानी लगभग 54.5 करोड़ पौधों की व्यवस्था भी की गई है। एक महाअभियान है ये, हर विभाग को लक्ष्य दिया गया है। हमारे विभाग को जो शिक्षा है उसे भी 20 लाख पौधों का लक्ष्य दिया है। बड़े बड़े मैदानों में जैसे यहां पर लगाया जा रहा है, वैसे ही हर विभाग में बड़े मैदान होते हैं, उनमें लगाए, जैसे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जो हमने हिदायत दी है कि अपने विश्वविद्यालयों की बाउंड्री के सारे एक एक पेड़ लगा दीजिए। उससे न सिर्फ छाया मिलेगी, फलदार लगाएंगे, फल मिलेंगे और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। उसी के अंतर्गत यहां पर फर्रुखाबाद में यह अभियान चल रहा है और अगर आने वाले कल को बचाना है, आने वाली नस्ल को बचाना है, तो वायु प्रदूषण से मुक्त बनाना पड़ेगा वातावरण को और जल का संरक्षण भी करना पड़ेगा। बच्चों, यहां आज के दिन एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि आपने एक नारा सुना होगा, जल है तो कल है, और इसका अर्थ आप नहीं समझते होंगे, बस जल है तो कल है, पड़ा और आगे बढ़ लिए। कल्पना कीजिए एक दिन ऐसा करना, आप सब लोग सुबह से शाम तक पानी मत पीना, मालूम पड़ जाएगा कि जल कितना जरूरी है आप मानव जीवन के लिए। और पानी वो चीज है जो बनती नहीं, किसी लैब में बनाया नहीं जा सकता, किसी कारखाने में बनाया नहीं जा सकता, किसी फैक्ट्री में उसको पैदा नहीं किया जा सकता। जो प्रकृति ने हमको दिया है होता है, उसको संजो कर रखना है, उसे बचाना है। हम आए दिन उसका अपने को वेस्ट करते हैं। छोटे सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं सुबह अपने वॉश बेसिन के सामने, नल खोला, नल चल रहा है, आप ब्रश में मस्त है, पानी बह रहा है, उसकी चिंता नहीं करते। मोहल्लों में रहते हैं, मैं जब पार्षद था 1989-90 में, तो मैं अपने क्षेत्र में घूम के सुबह सुबह देखता था कि कहां मेरा टोटी का नल बह रहा है, मैं टोटी लगवाता था। जनता को जागरूक होना चाहिए इस काम के लिए। हम सब संकल्प लें आज के इस महत्वपूर्ण दिन, जिसका अहद, जिसका संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है और समाज से आह्वान किया है उन्होंने, तो उसमें हम सब लोग जुड़े और वृक्षारोपण ही ना करें, वृक्ष को बचाएं भी, ऐसी जगह लगाएं जहां पर उसको नुकसान ना हो, मर ना जाए, ध्यान देना जरूरी है, कोई जानवर ना खा जाए, इसके लिए ट्री गार्ड, और ट्री गार्ड ना मिले तो ईंटों का उसको परकोटा दे सकते हैं, उसका गार्ड बना सकते हैं। कई जगह मैंने देखा झाड़ियों का गार्ड उन्होंने बना दिया था चारों तरफ वृक्षों बचाने के लिए, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो हमको पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है, मां की तरह
प्रकृति की सेवा करनी है, यही मैं आज के दिन आप लोगों से कहना चाहता हूं। धन्यवाद। चलाते हुए चले वहीं पे भंडारे के अंतर्गत जो मातृशक्ति है, जितनी भी महिलाएं यहां पर उपस्थित हैं, शिक्षिकाएं हैं हमारी, उनसे निवेदन है इस पौध भंडारा जो स्टॉल लगा हुआ है हमारा, वहां पर आप उपस्थित हों। माननीय अतिथि के द्वारा आपको पौधा भेंट किया जाएगा। हाँ, मातृशक्ति से निवेदन, पूर्ण अनुशासन के साथ हमारे मध्य श्रीमती श्वेता दुबे जी, सुदेश दुबे जी, जो कि दंत संरक्षण अभियान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ। वो भंडारे में जितने भी हमारे सम्मानित बंधुगण यहाँ पर उपस्थित हैं, छात्र और छात्राओं से निवेदन, आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें पूरे अनुशासन में, क्योंकि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय हम सबके मध्य उपस्थित हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद ही हमारा ये आज का सुंदर सा आयोजन समापन की ओर चलेगा। आप सब पूर्ण अनुशासन के साथ बैठे रहें, छात्र और छात्राएं, बाकी जितने भी यहाँ पर रास्ता दे दीजिए इन लोगों को, हमारे सम्मानित बंधुवर हैं, आपसे निवेदन है निकल जाने दिया करो, निकल जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, चलो माता जी आप निकलो, इधर से निकलो, मंच की ओर आ जाएं और एक वृक्ष, एक पौधा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय श्री योगेंद्र कुमार उपाध्याय जी, माननीय विधायक अमृतपुर, माननीय विधायक सदर, माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय जिला महामंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश कानपुर, माननीय मुख्य वन संरक्षक और सभी सम्मानित अधिकारियों के द्वारा पौधा आज के सुंदर से महाअभियान में प्राप्त करें। चलो आगे, सभी मातृशक्ति से अनुरोध है और हमारे जितने भी आप इधर से आ जाओ, हम भी पास में आ जाओ, करके आप सब आए, एक पौधा आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप ये देखिए, इधर से निकल जाएंगे ये लोग, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगेंद्र कुमार उपाध्याय जी और सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, माननीय अधिकारीगणों से विनम्र अनुरोध है आज के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की ओर चलें। आप सबकी जोरदार तालियां एक बार, बहुत ही सौभाग्य का अवसर है जब ऐसे माननीय मंत्री जी का आगमन हम सबके मध्य में हो जाता है। कहीं भी हम सब अपने जनपद में किसी भी कार्यक्रम में उनको याद करें, उनकी उपस्थिति बहुत ही सरलता, बहुत ही सहजता से हम सबके मध्य में होती है। मैं पूरे जनपद की ओर से माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। विनम्र निवेदन है इस वृक्षारोपण के अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सीधा सीधा पानी ला पानी।
विधायक जी हाथ उठाइए। इधर है साहब, इधर इधर सुनो दर्जी। आओ थक गए, उठा लिया भाई, आ गए। मेरा नाम क्या है? शेर सिंह बुलाया था, शेर सिंह बड़ा आवाज है। एक बर्गर का है, एक ये रखा था। हाँ ये पौधा रखा है। आइए इसकी फोटो ले लेते हैं। थोड़ा मिनट, थोड़ा आओ, हाँ ये थोड़ा साइड भैया, बोर्ड आइए अंदर। मेजर साहब का है, आइए सर। आपकी गुणवत्ता से भरपूर है, कड़वाहट से भरपूर नहीं, पंडित नीचे सर। फोटो नहीं आएगा, फायदा क्या? अब दे दीजिए नीचे से। क्या फायदा होगा फोटो आई है सब लोगों को नाश करने वाला नहीं। आपका भी बरगद का आइए। मान लीजिए एक मिनट, आप आ जाइए एक मिनट सर, सामने पहुंच जाइए। अरे भाई आप पीछे जा, पीछे जा सर, किस हाथ में हाँ सामने देखो। अपना वाला बंद कर लो, मेरा बंद है, तो फोटो रहती है भाई का। स्वल्पाहार के लिए मंच की ओर आग्रह के अनुरूप जरूर माननीय मंत्री जी का एक एक पल एक एक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, फिर भी इतने सरल और सहज भाव से हम सबके मध्य उपस्थित हुए। मैं पूरे